चाहे इन्होंने संस्थान बंद किए, विधायक निधि बंद की, इन्होंने बिजली महंगी की, इन्होंने महंगाई को बढ़ाने का काम किया, उसके साथ साथ विकास को रोकने जैसा जन विरोधी कृत्य भी किया। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो बजट का प्रावधान हुआ था उसको भी विकास पर खर्च नहीं किया। मेरी सूचना के मुताबिक 305 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग और लगभग 250 करोड़ रुपए जल शक्ति विभाग में 31 मार्च तक सरेंडर किए गए, जबकि पिछली सरकार द्वारा जारी किया गया बजट था, अनेक कार्य जो है वो उनके टेंडर हो गए थे, टेंडर अवार्ड हो गए थे, कई काम ठेकेदारों ने कर दिए थे, कई कर रहे थे। ये पैसा देकर जो ठेकेदारों का काम हुआ था उसकी पेमेंट होनी थी या जो काम पूरे होने पर उनको पेमेंट होनी थी, परंतु ये पैसा सरेंडर होने से ठेकेदार प्रभावित हुए हैं। उनको जो उन्होंने 6 महीने 7 महीने 8 महीने पहले काम पूरे किए उनकी पेमेंट नहीं हो रही। दूसरा, जो आधे अधूरे काम थे वो वही विभाग ने रोक दिए कि पैसा नहीं है। यहां तक कि जो टेंडर हो गए थे, टेंडर अवार्ड हो गए थे, अभी ठेकेदार ने शुरू करना था, उनके तो टेंडर ही कैंसिल कर दिए। इसलिए विकास प्रभावित इस काम से होगा, इसको भी भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी निर्णय मानती। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सुक्खू सरकार शुरुआती दिनों में ही भ्रष्टाचार के मामलों में घिरी। और मैं कहना चाहता हूं, जो उस पत्र में विषय प्रमुख रूप से आया है, आप भी जानते हैं कि किन्नौर जिला की सतलुज नदी पर जो शांग टांग करछम विद्युत परियोजना जो प्रोजेक्ट बन रहा है, वो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के देखरेख में मैसर्ज पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी बना रही है। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली कंपनी को जो पत्र में आरोप है कि आपने उनको डेविएशन करके, पोस्ट कॉस्ट एस्केलेशन करके उनको फायदा दिया है, मैं इस बात पर नहीं जाता कि कितने का लेन देन हुआ, परंतु ये तो मैं पूछना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 18 मई 2023 को संपन्न हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इस पटेल मैसर्ज पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को क्या लाभ दिया गया? क्या यह सत्य नहीं है कि उस मीटिंग में इस कंपनी को एक्सटेंशन दी गई है, उनके जो काम पूरा करने का समय अवधि थी वो पूरी हुई थी, इसलिए एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया गया। अदरवाइज समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता तो पेनल्टी लगती है, तो पेनल्टी लगाने की बजाय एक्सटेंशन दी जा रही है, और जब टाइम में एक्सटेंशन दी जा रही है तो कॉस्ट में भी जो है वो डेविएशन हो रही है। तो ये जब बोर्ड की मीटिंग में हुआ है तो किस लिए हुआ, क्यों हुआ, क्या आवश्यकता पड़ी, ये जवाब प्रदेश की जनता मांगती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि ये जो आरोप भ्रष्टाचार के मुख्यमंत्री कार्यालय पर लगे हैं उनकी किसी एजेंसी से जांच कराई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।